Hello guys, welcome back and another video of Aryavarta Study, a new way of learning. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में और जानेंगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उत्तर वैदिक काल का तात्पर्य उस काल से है जब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद रचे गए थे। इस युग में आर्य सभ्यता धीरे धीरे पूर्व से दक्षिण की ओर फैलने लगी थी। वास्तविकता में यदि हम वैदिक काल की बात करें तो वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के कालखंड में रही है, जिसमें से यदि 1000 से 600 ईसा पूर्व के कालखंड की बात करें तो जो ये काल रहा है उसे ही उत्तर वैदिक काल कहा गया है। तो कुल मिलाकर वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो पहले आया वो ऋग वैदिक काल, उसके बाद जो आया वो उत्तर वैदिक काल। तो उम्मीद दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।